क्या आपको पता है कि इंडिया में जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ इस लॉकडाउन में, वही कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हार नहीं मानी और इसमें भी ढूंढ ली नई अपॉर्चुनिटीज। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड टाइम में बनाए लाखों पीपीई किट और भारत के साथ साथ अब बाकी देशों में भी कर रहा है सप्लाई। एबी टॉक्स। हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक लेकर आया हूँ एबी टॉक्स का एक और नया एपिसोड। दोस्तों, इंटरनेट पे भरे पड़े ऐसे वीडियो जो बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद कौन से जॉब में, कौन से बिजनेसेस में है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज, पर उन वीडियोस में से ऐसे शायद ही कोई वीडियोस है जो ये बताते हैं आपको कि कैसे इन बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, कैसे इस लॉकडाउन कंडीशन का फायदा उठाकर हम कर सकते हैं नए ऐसे कुछ बिजनेसेस अलग अलग फील्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा ऐसे 5 करियर ऑप्शन, जॉब ऑप्शन या बिजनेस ऑप्शन जिनकी इस लॉकडाउन के बाद होने वाली है हाई डिमांड। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। दोस्तों, इस पूरे कोविड सिचुएशन में लोगों की जिसने सबसे ज्यादा मदद की है वो है होम डिलीवरी सिस्टम। लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स सिस्टम इतना बूम पे रहा कि छोटे से छोटे व्यापारी ने ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दिया या होम डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और स्टार्ट किया होम डिलीवरी सिस्टम। यार मेरे भाई, अब कोविड सिचुएशन खत्म भी हो जाती है तो इसके बाद भी ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। यार अगर आपके पास प्रोडक्ट है और आप प्रोडक्ट को ऑलरेडी मार्केट में सेल कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ सेलर अकाउंट बनाना है, छोटी मोटी जानकारियां लेना है और इजीली ऑनलाइन सेल कर सकते हो। अगर मेरे भाई प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट को आउटसोर्स कर सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो कि आपके आसपास आपके शहर में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। अगर मेरे भाई तुझे वो भी नहीं करना है तो बहुत आसान काम है, 3-4 दोस्त या 3-4 लोग मिलकर एक छोटी से लॉजिस्टिक या होम डिलीवरी सिस्टम की टीम बना सकते हो। आसपास के दुकानदारों को बोल सकते हो कि हमने होम डिलीवरी सिस्टम किया है, कम चार्ज लेकर हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे भाई, होम डिलीवरी सिस्टम में ना तो तुझे ज्यादा पैसा लगाना है, ना ही प्रोडक्ट को सेव करने के लिए या सामान इकट्ठा करने की कोई भी जरूरत है, बस डायरेक्ट प्रोडक्ट लेना है और एक जगह डिलीवर करना है। तो इस तरह की इंडस्ट्री पे बहुत ही बेहतरीन काम हो सकता है और लॉजिस्टिक ई कॉमर्स इंडस्ट्री अब बूम ही करते जाएगी, इसका कोई भी डाउनफॉल अभी तो नहीं दिखने वाला। मेरे दोस्त, इस लॉकडाउन में जो दूसरा सेक्टर बहुत बूम पे रहा वो है डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया नेटवर्किंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस फील्ड की सबसे अच्छी बात है कि इसमें कुछ या ज्यादा पढ़ा लिखा होना की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक सोशल मीडिया का नॉलेज होना चाहिए। अगर भाई तूने 12th पास की है तो बहुत अच्छा है, तुझे अगर सोशल मीडिया के बारे में पता है इतना काफी है। अब सवाल ये आता है कि इस चीज में या सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम एंटर कैसे करें, तो भाई सिंपल सा फंडा है, अपने आसपास के बेस्ट इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन बेस्ट एजुकेटर से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर सकता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में काफी चीजें होती है, SEO होता है, इसी के साथ साथ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग होती है, एफिलिएट मार्केटिंग होती है, एडवर्ड मार्केटिंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये फील्ड तुझे लाखों रुपए कमा के दे सकती है, बस तुझे क्या करना है, पहले तो कहीं से सीखना है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना है। यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना है तुझे इस फील्ड में, तुझे स्मार्ट वर्क करना है। यार ये चीज तो तुम सभी मानते हो कि लॉकडाउन में नॉर्मल मार्केट सभी बंद रहे और छोटे से छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस ने भी ये सोचा कि काश हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस होती, काश हमारा बिजनेस ऑनलाइन होता, सोशल मीडिया पे हमारा बिजनेस होता तो काफी बेहतरीन तरीके से लॉकडाउन के टाइम पे भी हम बिजनेस कर पाते। तो यही सोच के साथ जो सालों से चली आ रही मार्केटिंग है वो अब बदलेगी और एक नया डिजिटल मार्केटिंग का फेज स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो गया है। तो अगर कुछ नया करने का ट्राई करना है तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग तेरे लिए बहुत सही ऑप्शन है। थर्ड सेक्टर जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो काफी बूम पे रहा है, वैसे तो ये बिजनेस नहीं है पर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ा है। लोगों ने अचानक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बारीकी समझा, उसकी जरूरत समझा है और इस पर सभी स्कूलों ने, सभी कॉलेज ने काम करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन एजुकेशन का सिंपल सा फंडा है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का नॉलेज है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप आपके कोर्स इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हो, उसके लिए नॉमिनल चार्जेस कर सकते हो। अगर लोगों को आपकी टीचिंग टेक्निक अच्छी लगेगी तो लोग आपके साथ जरूर आएंगे।
इसी के साथ साथ इंटरएक्टिव लर्निंग की भी क्लासेस स्टार्ट है। हर जगह इंटरएक्टिव लर्निंग की बात होती है, तो जरूरी नहीं कि आपको पढ़ाते आता है। अगर आपको दूसरी चीजें आती है, जैसे कि वेबसाइट बिल्ड करना, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाना, एनिमेशन बनाना, ग्राफिक्स बनाना, ऐप बनाना, तो इसमें भी आप बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हो मेरे भाई, बहुत ही शानदार काम हो सकता है। अगर ये भी नहीं करना है तो फिर पाम टॉप लैपटॉप्स, इजी एजुकेशन लैपटॉप्स या टैबलेट जिसकी भारी डिमांड है वो इजीली सेल कर सकते हैं इस टाइम पे, या स्कूल या कॉलेजेस को बल्क में सप्लाई कर सकते हैं। मेरे भाई इंसान खाना कम कर देगा, बाहर जाना बंद कर देगा, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर देगा, पर बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल बंद नहीं करेगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है इस लॉकडाउन में, बस हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी का टैप करना है, अपॉर्चुनिटी को यूज करके आगे बढ़ना है। यार फोर्थ सेक्टर को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, सभी जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इतना यूज होगा तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएगी और उसके लिए हमें लगेंगे ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर वो होते हैं जो टेक्नोलॉजी में आने वाली प्रॉब्लम को दूर करते या चीजें रिपेयर करने का काम करते हैं। यार मैं तुझे एक चीज बता दूं कि आजकल जो वाईफाई कनेक्शन हमारे घर पे होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन हमारे घर पे होते हैं, वो चल रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर से, और एक ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट करने वाला बंदा, रिपेयर करने वाला बंदा, समझने वाले बंदे की आज इजीली सैलरी 30,000 to 70,000 है। तो अगर ऐसा कोई इंसान जिसे इस टेक्नोलॉजी को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रिपेयर करने की टेक्निक्स पता है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सॉफ्टवेयर अपलोड करना, हार्डवेयर रिपेयर करना, कोडिंग मैन्युफैक्चर करना, ट्रबल शूटिंग करना, इन सभी की वैल्यू बहुत होने वाली है। इस सेक्टर में कैसे आया जाए तो दो चीजें, या तो आप सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो या हार्डवेयर पे काम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो सॉफ्टवेयर इवन हार्डवेयर का नॉलेज देते हैं। अपनी पसंद की फील्ड चूज कर लो और काम पर लग जाओ। भाई मेरे ये बात तो 100% सच है कि कोविड सिचुएशन के बाद लोग अपने हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हाइजीन के बारे में बात कर रहे हैं, और पांचवा और फाइनल सेक्टर यही है, हेल्थ केयर और हाइजीन। लोग पहले से ज्यादा कॉशियस हो गए अपने हेल्थ को लेकर, हाइजीन को लेकर। छोटे से छोटे लेवल पर भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो आजकल हाइजीन की बात कर रहा है, सैनिटाइजेशन की बात कर रहा है। यार अगर सोचा जाए तो इम्यूनिटी वर्ड हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा ही नहीं था, पर कोविड के बाद सब लोग अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दे रहे हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं और इसी के बारे में ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। सभी को ये समझ में आया कि इम्यूनिटी तगड़ी होगी तो कोई भी वायरस आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो कोविड सिचुएशन के बाद से हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत ही फास्टली ग्रो कर रही है। जरूरी नहीं कि आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए डॉक्टर बनना ही जरूरी है। बहुत सारी चीजें जो आप डॉक्टर बनने के अलावा भी कर सकते हैं। यार आप भले ही डॉक्टर मत बनो, पर बॉडी को फिजिकली या मेंटली फिट रखने के लिए बहुत से ऑप्शन है, जैसे कि डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज के फंडे, इसी के साथ साथ हेल्थ केयर फील्ड में सर्विसेस मैनेजमेंट। ये देखो कि आप किस फील्ड को टैप कर सकते हो, कौन से फील्ड आपको ज्यादा पसंद है। अगर आप चाहते हो कि मैं लोगों की हेल्प करूं डाइटिशियन बनके या न्यूट्रिशन बनके, तो उसका कोर्स कर सकते हो। बॉडी को आप चाहते हो कि योग करके या फिर एक्सरसाइज करके फिट रख सकते हो, तो उसके कोर्सेज भी इजीली अवेलेबल है, बस प्रैक्टिस करना है आपको। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा दोस्त शहर के बाहर रहता है, उसने इस पूरी सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी देखी और स्टार्ट करा ऑर्गेनिक वेजिटेबल का बिजनेस। उसने खुद ने ग्रो करी अपने फार्म हाउस पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल और अब वो इजीली यहाँ पर सेल कर रहा है। तो बस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है इस पूरी सिचुएशन में और बस उस पर काम करना है। तो भाई मेरे, मेरी बहन, ये थे कुछ ऑप्शन लॉकडाउन के बाद अपॉर्चुनिटी ढूंढने के। मैं आशा करता हूँ कि यार तुझे मेरी बात समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी तेरे मन में क्वेश्चन है तो डाउट मत करे, मुझे इंस्टाग्राम पर तू बेधड़क मैसेज कर सकता है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और पूछ सकते हो जो भी आपको क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड। यार अब मैं आपको इस नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ऑल द बेस्ट कहूंगा। ये बोलूंगा कि वीडियो पसंद आए तो अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ये रहा सब्सक्राइब बटन, फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। लास्ट में ये कहूंगा कि मैं अभिषेक लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।